कल्चिका के स्थापना दिवस है, किस तरीके तैयारियां हैं? देखिए, कल लोक जनशक्ति पार्टी का 21वां स्थापना दिवस है। मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में पार्टी का गठन किया था, और तब से निरंतरता में बहुत खूबसूरती से वो हर साल स्थापना दिवस मनाते आए। ये एक पार्टी का आयोजन होता था जो हर साल वो बहुत भव्यता से करते थे और हमेशा करना चाहते थे। उनकी हमेशा ये सोच थी कि नहीं, बड़े पैमाने पर पार्टी का स्थापना दिवस होना चाहिए था। उनको अच्छा लगता था कि उनके जैसे कोई बच्चा होता है ना, कि आप आंखों के सामने उसको पलता बढ़ता देखते हैं, उनको साल दर साल खुशी होती थी कि भैया उनकी बनाई हुई पार्टी इतनी खूबसूरती से बड़ी हो रही है, विस्तार हो रहा है पार्टी का, नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मजबूत हो रही है पार्टी। तो हमेशा उन्होंने एक भव्य आयोजन करने की उन्होंने सोच रखी। पहली बार है कि जब वो नहीं है और उनके बिना हम लोग स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। मेरी सोच बस इतनी है कि मेरे नेता अगर जीवित होते तो वो जितनी भव्यता के साथ करना चाहते। मुझे याद है पापा रात रात भर जाग कर देखते थे प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है। उन्हीं से मैंने सीखा है कि ऐसे आना, पहले आकर हॉल को देखना कैसे तैयारी, बैठने का। उनके साथ मैं हर साल आता था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी उनके साथ बच्चे के तौर पर आता था और उनसे ये सब सीखता था कि तैयारी को देखना, ये करना। तो मुझे बस इतनी उम्मीद है कि वह जहाँ कहीं भी होंगे, जिस तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और मैं अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं का मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने दिन रात एक करके जिस तरीके से स्थापना दिवस में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं और साथ में जिस उत्साह के साथ लगे हैं, क्योंकि पिछले साल हमारे नेता का निधन हुआ था तो इसलिए उस वक्त ये कार्यक्रम ऐसा हुआ नहीं था, पर जिस उत्साह के साथ पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, जिस तरीके से अभी आते वक्त मैंने देखा या दिन में भी कुछ कार्यक्रम के लिए मैं निकला था, प्रचार प्रसार जिस तरीके से पूरा पटना, और अगर मैं फिर वही अगर ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो टोक दीजिएगा, पर मुझे लगता है पटना पूरा रंग दिया गया है लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर से, होर्डिंग से। तो मुझे लगता है कि हमारे नेता जहाँ कहीं भी होंगे देखकर खुश हो रहे होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। कल इस कार्यक्रम में हम लोगों ने तमाम जिलों से तमाम हमारे जिला पदाधिकारी आ रहे हैं, पर साथ ही में स्थापना दिवस के साथ साथ ये लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है। राष्ट्रीय परिषद लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ा यूनिट है, नेशनल काउंसिल, उसके बाद हम लोग की नेशनल एग्जीक्यूटिव आती है और फिर विभिन्न प्रदेशों की बॉडीज आती हैं। तो नेशनल काउंसिल हम लोग की सबसे बड़ी बॉडी है, तो कल हर प्रदेश से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। जो लोग नहीं आ पाएंगे